हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से लेकर सरकारी अस्पताल में काम करने वाले कच्चे कर्मचारी अपनी सैलरी को लेकर परेशान हैं। सभी कर्मचारी सैलरी परेशानी को लेकर इकट्ठा हुए सिविल सर्जन के पास पहुंचे। ठेके पर सरकारी हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर मजबूर हैं, कोई सुनने वाला नहीं। सर ये सैलरी की डिमांड है अब तो, और काम करे जा रहे हैं हम। न्यू ठेकेदार आए, वो कुछ कह नहीं रहे कि ज्वाइनिंग कब होगी, कैसे होगी, क्या होगा, कुछ नहीं बताया हमें। हॉस्पिटल में करते हैं काम? हाँ जी सर, हम हॉस्पिटल में काम करते हैं। क्या मांगा सर? अब तो यही मांगे कि हमें ज्वाइनिंग दे दें। हम जैसे काम कर रहे थे, काम तो हमने वैसे ही करना है, काम से हम पीछे नहीं हट रहे हैं। हम सिविल हॉस्पिटल से हैं, सिविल हॉस्पिटल में हम लोग काम करते हैं। हमारी मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक तो हमें सैलरी नहीं दी जा रही है, और दूसरा कि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है हमारी। हम ऐसे ही काम कर ही जा रहे हैं, कभी कहाँ हमारी ड्यूटी लग जाती है, कभी कहाँ लग जाती है। टाइमिंग इतना ज्यादा मतलब हम लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी कोरोना में भी हम लोगों ने काम किया है, पीपी किट डाल के किया है, तो घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी तरफ भी देखा और काम भी किया। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें सैलरी वगैरह टाइम पे दी जाए, और यही हमारा है।